नमस्कार दोस्तों, चलिए आज सीखते हैं एक्सिस बैंक का नेट बैंकिंग कैसे यूज करते हैं। तो पहले क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए। मेरा ऑलरेडी ओपन है, यहाँ पे लिखे एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक इंटरनेट बैंकिंग। फिर सेकंड वाला यहाँ पे आ गया, एक्सिस बैंक इंटरनेट बैंकिंग। यहाँ पे आज फर्स्ट टाइम यूजर रजिस्ट्रेशन। अगर आपका पास ऑलरेडी आईडी पासवर्ड है तो आप पे लॉगिन कर सकते हो, नहीं तो रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। ओपन होने के बाद आपको कस्टमर आईडी पूछ रहे हैं। कस्टमर आईडी आपका पास बैंक का तरफ से मिलेगा, जो एटीएम का साथ जो पेपर है उसमें आपको लिखा रहेगा कस्टमर आईडी, आप चेक कर लीजिए। सिक्योरिटी रीजन के लिए हाइड कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे प्रोसीड कर लीजिए। यहाँ पे आपका फिर डेबिट कार्ड का डिटेल पूछ रहे, डेबिट कार्ड का नंबर और एटीएम पिन एक्सपायरी डेट। फिल करने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन एग्री कर लीजिए पूरा। प्रोसीड पे यहाँ पे आ गया पासवर्ड, आप चूज कर लीजिए आपको पासवर्ड कैसे चाहिए। आपका रजिस्ट्रेशन का मोबाइल में ओटीपी आएगा, ओटीपी आप डाल लीजिए यहाँ पे। उसके बाद सबमिट। पासवर्ड डालने के बाद आपका आ चुका है सक्सेसफुल, आपका पासवर्ड और सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे क्लिक टू लॉगिन पेज, लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने आप यहाँ पे आपका कस्टमर आईडी डाल लीजिए, मैं मेरा डाल रहा हूँ। फिर आपको जो पासवर्ड अभी सेट किए वही पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। देख लिया यहाँ पे लॉगिन, आपका सक्सेसफुल हो चुका है, मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है।